अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पल्सिव फोर्स एंड इम्पल्स। तो पहले इम्पल्सिव फोर्स देखते हैं किसको कहते हैं। व्हाट इज इम्पल्सिव फोर्स? इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स मीन्स सडन फोर्स दैट acts on your body for a moment। ठीक है, जो फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करता है फॉर ए मोमेंट। ठीक है, फॉर ए मोमेंट एक लम्हे के लिए किसी बॉडी पर फोर्स जब एक्ट करेगा उस फोर्स को हम कहते हैं इम्पल्स फोर्स। ठीक है, या वी कैन से जब यानी कि जब भी फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करता है या वो लंबे समय के लिए वो उस पर एक्ट करेगा कंटिन्यूअसली, यानी फॉर ए लॉन्ग टाइम कंटिन्यूअसली एक्ट करेगा, या फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम वो फोर्स उस बॉडी पर एक्ट करेगा। अगर फोर्स बॉडी पर एक्ट करेगा फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, उस फोर्स को हम कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। तब हम इस तरह भी कह सकते हैं द फोर्स दैट एक्ट्स on a body for a very short time, जो बहुत ही कम समय के लिए फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करे उसी फोर्स को हम कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम बैट से बॉल को हिट करते हैं, क्रिकेट बॉल को, ठीक है ना, this hitting is an example of impulsive force। ठीक है, during hitting a ball, ठीक है ना, जब हम बॉल को हिट करते हैं इस दौरान जो बैट होता है इट एग्जर्ट्स स्ट्रांग फोर्स ऑन अ बॉल इन ए वेरी स्मॉल टाइम। जो इम्पल्सिव फोर्स जनरली बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है, जनरली ये बहुत ही स्ट्रांग होता है और एक्ट करते हैं फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, इसी तरह से जब हम किक मारते हैं फुटबॉल को, दिस किकिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। जब हम किसी को मुक्का मारते हैं, ठीक है, दिस मुक्का इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? इम्पल्सिव फोर्स। इसी तरह से जब टू कैरम फाइल्स आपस में टकराते हैं, जब उनके दरमियान कुलिजन होता है, टू बिलियर्ड बॉल्स के दरमियान कुलिजन होता है, टू कार्स के दरमियान कुलिजन होता है, दिस कुलिजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? इम्पल्सिव फोर्स। ड्यूरिंग दिस कुलिजन जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट होता है इट इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बराबर होता है, इट इज लेस देन जनरली वन सेकंड टाइम ऑफ इम्पैक्ट जो कोलिजन का होता है। तो इस टाइम ऑफ इम्पैक्ट के दौरान जो ये फोर्स एग्जर्ट करते हैं एक दूसरे पर वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। सो कोलिजन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? इम्पल्सिव फोर्स। इज दिस क्लियर? ओके, तो इसी तरह से अगर मेरे हाथ में कप है, अगर मैं वो हाथ से छोड़ दूंगा इसको क्या होगा, ये गिर जाएगा नीचे एंड देन फाइनली इट विल हिट द ग्राउंड। ठीक है, जब ये हिट करेगा ग्राउंड को, दिस हिटिंग इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, बिकॉज इम्पल्सिव फोर्स में अगर मूविंग बॉडी होगी वो जल्दी रेस्ट पे आ जाती है इट ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी आ रही है वहां से, ठीक है, मान ली बॉल आ रही है ऊपर से, किसी क्रिकेट ने उस पर हिट कर दी, वो हवा से मेरी तरफ आ रही है, अब मैं उसको कैच करना चाहता हूं, उसको रोकना चाहता हूं, जब मैं कैच करूंगा उसको, जो कैचिंग, जब मैं उसको कैच करता हूं वहां पे हम क्या करते हैं, उसको रोकते हैं एक्चुअली कैच करने से, यानी कि मैं उसको इंस्टेंटली बहुत ज्यादा फोर्स उस पर अप्लाई करता हूं तो वो बॉडी जो बॉल जो है वो रुक जाती है। सो दिस कैचिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। इसी तरह से इज दिस क्लियर यू? ओके, तो इसी तरह से जब एक गाड़ी जाती है किसी अनइवन रोड पर, जो रोड होता है ना अनइवन रोड पे जब गाड़ी जाती है, ये अनइवन रोड एग्जर्ट करता है जर्क्स ऑन द व्हीकल, दिस जर्क इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? एग्जांपल ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। जर्क भी है एग्जांपल ऑफ इम्पल्सिव फोर्स, इसलिए हम कहते हैं सर्टेन फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ मोमेंट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। इज दिस क्लियर? ओके, यह है इम्पल्सिव फोर्स। अब ये जो इम्पल्सिव फोर्स जिस टाइम के लिए ये एक्ट करता है, जो ऑब्वियसली मैंने बता दिया ये बहुत कम होता है, इस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ इम्पैक्ट। जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट होता है, टाइम
ऑफ टाइम ऑफ इंपैक्ट. सो व्हाट इज टाइम ऑफ इंपैक्ट? टाइम ऑफ इंपैक्ट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी. ठीक है, जो यहां पे इंपल्स फोर्स का जो टाइम ऑफ इंपैक्ट होता है इट इज वेरी शॉर्ट. यानी कि इंपल्स फोर्स किसी बॉडी पर बहुत ही कम समय के लिए एक्ट करता है, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. ठीक है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इज जनरली द टाइम ऑफ इंपैक्ट. इज इट क्लियर? ओके. अब इस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, इस छोटे से टाइम ऑफ इंटरवल में, ये जो फोर्स होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है, जनरली स्ट्रांग. ठीक है, एक तो ये स्ट्रांग होता है तो, और ये बहुत जल्दी, ये कॉन्स्टेंट नहीं होता है. इट्स ए वेरिएबल फोर्स, इट्स ए वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स एंड इट वेरीज वेरी वेरी क्विकली. बहुत जल्दी, एट हायर रेट, एट ए वेरी हाई रेट, जल्दी जल्दी चेंज होता है, एट ए वेरी हाई रेट दिस फोर्स. ठीक है, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है, इस कम समय में इस फोर्स को जल्दी इंक्रीज होना है, फिर जीरो होना है. ठीक है, तो ये बहुत जल्दी जल्दी होता है इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. ये जल्दी से इंक्रीज होता है, फिर जल्दी से डिक्रीज होता है टू जीरो. इज इट क्लियर? इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन इंपल्स फोर्स एंड टाइम ऑफ इंपैक्ट, यहां से ले लेंगे टाइम ऑफ इंपैक्ट, इंपैक्ट एंड यहां से ले लेंगे एवरेज फोर्स, एवरेज, सॉरी नॉट एवरेज फोर्स, इंपल्स फोर्स, इंपल्सिव फोर्स. ठीक है, यहां से ले लिया हमने इंपल्स फोर्स जो हम बॉडी पर अप्लाई करते हैं, जो किकर बैट से बॉल पर एक्ट होता है, यहां पे ओरिजिन है, यहां से टाइम ऑफ इंपैक्ट है एंड वी गेट अ कर्व लाइक दिस. इस तरह से शेप ऑफ कर्व होगी, दिस इज द शेप ऑफ द कर्व एंड इट इज क्लियर फ्रॉम दिस कर्व दैट इनिशियली, ठीक है ना, जो फोर्स इंपल्स फोर्स होता है वो जीरो होता है. ठीक है, जो ये कंटेक्ट में आते हैं, टू इंटरक्टिव बॉडी जब कंटेक्ट में आते हैं, जो ये इंपल्स फोर्स कम्स इनटू प्ले, देन इट इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू सम मैक्सिमम वैल्यू. यहां पे मैक्सिमम वैल्यू होता है एफ मैक्स, मैक्सिमम इंपल्स फोर्स. ठीक है, एंड फर्स्ट इट इंक्रीज, जो इंपल्स फोर्स जब किसी बॉडी पर एक्टिव करता है ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग हिटिंग, ड्यूरिंग किकिंग, ठीक है ना, ड्यूरिंग कैचिंग, ये इंपल्स फोर्स वैल्यू होता है बहुत क्विकली फास्ट रेट पे फ्रॉम जीरो टू सम मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड देन फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू जीरो. ऐसा ये होता है बहुत कम समय में, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऐसा कुछ होता है. इज इट क्लियर? जो यहां से यहां तक टाइम लगता है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल जो टाइम ऑफ इंपैक्ट है. ठीक है, तो इस कम टाइम में या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इस फोर्स को मेजर करना, यानी कहां पे कितना फोर्स होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी टू कैलकुलेट दिस इंपल्स फोर्स इन दिस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. हम नहीं मेजर कर सकते, बहुत मुश्किल है इसको मेजर करना. सो व्हाट आई मीन टू से, यानी कि हम डिराइव नहीं कर सकते इजिली रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड टाइम ऑफ इंपैक्ट, इंपल्स फोर्स एंड टाइम ऑफ इंपैक्ट. ठीक है ना, या इन अदर वर्ड्स वी कैन डिराइव एक्सप्रेशन फॉर दिस कर्व, फोर्स कर्व. इस फोर्स के लिए, फोर्स कर्व के लिए हम एक्सप्रेशन डिराइव एग्जैक्टली नहीं कर सकते. ठीक है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर दिस फोर्स कर्व. ठीक है ना, तो क्योंकि ये बहुत जल्दी चेंज होता है और कम समय में ये जल्दी चेंज होता है, सो देयरफॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट. अब हम क्या करते हैं यहां पे, देन व्हाट वी डू, इसके बदले हम इसका एवरेज मेजर करते हैं. एज द इंपल्सिव फोर्स इज ए स्ट्रांग फोर्स, इट एक्ट्स फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम. ठीक है ना, एंड इट इज अ वेरिएबल फोर्स, इट वेरीज वेरी क्विकली इन द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर दिस इंपल्सिव फोर्स इजिली. ठीक है ना, तो अब हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, वी मेजर इट्स एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स, हम एवरेज फोर्स मेजर करते हैं. ठीक है, तो एवरेज फोर्स मेजर कैसे करते हैं वो अभी मैं बताऊंगा. एवरेज फोर्स का मतलब क्या है, एवरेज फोर्स किसका, इंपल्स फोर्स का एवरेज फोर्स लेते हैं.
ठीक है। तो एवरेज फोर्स का मतलब क्या है, जिस तरह से एवरेज स्पीड हमने डिस्कस की है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इसी तरह से एवरेज फोर्स भी होता है। ये जो इम्पल्स फोर्स है, इट्स अ वेरिएबल फोर्स, जैसे पहले मैंने अभी बता दिया, इट्स अ वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल फोर्स, और वो जल्दी क्विकली चेंज हो जाता है विद टाइम, ठीक है। अब ये इम्पल्स फोर्स जब किसी बॉडी पर एक्ट करता है, ठीक है, तो ये जितना उस पर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जितना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ना गिवन टाइम, ठीक है ना, ये वेरिएबल फोर्स। तो ये एवरेज फोर्स, ये एक ऐसा कांस्टेंट फोर्स है, ये भी उतना ही फोर्स, अगर ये एवरेज फोर्स भी इसका वैल्यू ऐसा है कांस्टेंट वैल्यू, अगर ये भी उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा किस पर, ऑब्जेक्ट पर, उसी टाइम में, टाइम ऑफ इम्पैक्ट में, जितना ये इम्पल्स फोर्स करता है अप्लाई प्रोड्यूस करता है इफेक्ट, तब हम कह सकते हैं एवरेज फोर्स जो है, इट इज दिस फोर्स जो है ना, इट इज द एवरेज फोर्स ऑफ व्हाट, इम्पल्स फोर्स, ठीक है। सो व्हाट इज द एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स ऑफ अ वेरिएबल फोर्स, इम्पल्स फोर्स इज दैट कॉन्स्टेंट फोर्स विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट इन द बॉडी विच इज इन अ गिवन टाइम विच इज प्रोड्यूस बाय द इम्पल्स फोर्स इन द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, इन दैट इंटरवल टाइम, इन दैट टाइम, इज दिस क्लियर, ओके। This is what we call average force. अब हम क्या करेंगे, अब हम यही average force measure करेंगे, average force. अब average force, impulse force का average force, जैसे कि definition में मैंने बता दिया, average force produces the same effect in a body in a given time, during the time of impact, as is produced by the variable impulsive force, ठीक है ना, in the same time of impact, ठीक है, दोनों सेम, ये कॉन्स्टेंट है, ये वेरिएबल, मतलब दोनों सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। तो इसका मतलब ये हुआ, तो हमें सबसे पहले इस इम्पल्स फोर्स का देखना है, ये कितना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है बॉडी में, ये कितना टोटल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, टोटल इफेक्ट ऑफ द इम्पल्स फोर्स। तो सबसे पहले हमें एवरेज फोर्स हम तब मेजर कर सकते हैं जब हमें पता होगा इम्पल्स फोर्स कितना इफेक्ट, यानी कि कितना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है किसी बॉडी पर, ठीक है ना। टोटल इफेक्ट ऑफ द इम्पल्स फोर्स ऑन ए बॉडी, ऑन ए बॉडी, वो हमें मेजर करना पड़ेगा। अगर वो हम मेजर करेंगे, सो दिस टोटल इफेक्ट ऑफ द इम्पल्स फोर्स, मेजर ऑफ द टोटल इफेक्ट ऑफ द इम्पल्स फोर्स ऑन ए बॉडी इज व्हाट वी कॉल इम्पल्स, इसी को हम कहते हैं इम्पल्स, ठीक है ना, जो यहां पे सेकंड टर्म है इम्पल्स। सो व्हाट इज द इम्पल्स, इम्पल्स इज द इज अ मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ द impulsive force on a body, ठीक है, ओके। इम्पल्स, सो व्हाट इज इम्पल्स देन, अ मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ द इम्पल्स फोर्स, ठीक है ना, ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ द फोर्स, इम्पल्स ऑफ द फोर्स, उसको कहते हैं इम्पल्स या इम्पल्स ऑफ द फोर्स। सो इम्पल्स मीन्स टोटल इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द इम्पल्स फोर्स ऑन ए बॉडी, टोटल इफेक्ट। अब यहां पे क्वेश्चन है, ये टोटल इफेक्ट किस शेप में, किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है बॉडी में। अगर एक बॉडी है, उस पर अगर इम्पल्स फोर्स अप्लाई करेंगे, ये इम्पल्स फोर्स अब उस पर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है किस फॉर्म में, इफेक्ट प्रोड्यूस करता है किस शेप में, वो उस पर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और कितना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, अब वो मेजर करना पड़ेगा। पहले देखेंगे इफेक्ट किस शेप में होगा, देन अकॉर्डिंग टू हम जाएंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर, उसके लिए बहुत सारे स्टेटमेंट हमने डिस्कस किए हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट हम देख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी देख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन देख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन देख सकते हैं। तो इसी तरह से एक और स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम भी हम देख सकते हैं। तो
फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अगर बॉडी रेस्ट पे है उसका लीनियर मोमेंटम जीरो है, तो हमेशा जीरो ही रहेगा उसका लीनियर मोमेंटम जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। तो ये एक्सटर्नल फोर्स ही है जो एक बॉडी का लीनियर मोमेंटम चेंज करता है फ्रॉम जीरो टू सम मैक्सिमम वैल्यू। अगर एक बॉडी पहले से ही मूव कर रही है अलॉन्ग अ स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है, तो उसका लीनियर मोमेंटम विद सम लीनियर मोमेंटम, तो उसका लीनियर मोमेंटम कंटिन्यूसली कांस्टेंट रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे, ठीक है। तो ये नेट एक्सटर्नल फोर्स ही है जब हम किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो उसका जो लीनियर मोमेंटम होता है वो चेंज हो जाता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज हो जाता है। इज दिस क्लियर टू यू? तो व्हाट इज जो फोर्स है उसका काम क्या है, चेंज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो यही है इफेक्ट, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है जो फोर्स किसी बॉडी पर इफेक्ट ड्रा करता है वो है किस फॉर्म, इन द शेप ऑफ लीनियर मोमेंटम, इन द फॉर्म ऑफ लीनियर मोमेंटम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इज दिस क्लियर? सो जो टोटल मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ द इम्पल्स फोर्स ऑन ए बॉडी ये क्या है, इट इज द इट इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो बॉडी में लीनियर मोमेंटम चेंज होगी, जो टोटल चेंज वहां पे होगी लीनियर मोमेंटम में, ठीक है ना, वही है टोटल इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द इम्पल्सिव फोर्स ऑन द बॉडी। इज दिस क्लियर टू यू? तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हमें जो टोटल इफेक्ट मेजर करना है, हम क्या करेंगे मेजर टोटल इफेक्ट किस फॉर्म में मेजर करना है, हमें मेजर करना पड़ेगा टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब जो इम्पल्स है तो इम्पल्स हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, इम्पल्स इज द टोटल चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी प्रोड्यूस्ड बाय द इम्पल्सिव फोर्स। जो इम्पल्सिव फोर्स उस पर प्रोड्यूस करता है टोटल, यानी कि उसमें चेंज करता है टोटल चेंज इन द लीनियर मोमेंटम, ठीक है, उसको हम कहते हैं इम्पल्स, इम्पल्स ऑफ द फोर्स। इम्पल्स इज द टोटल चेंज इन द लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस बाय द इम्पल्स फोर्स। इज दिस क्लियर? तो याद रखना, अब ये टोटल चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो बॉडी में आती है कैसे मेजर करेंगे, इट कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन। तो वो हमें कहता है न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन के लिए हम मान लीजिए एक बॉडी है, एक बॉल है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है, विद सम इनिशियल लीनियर मोमेंटम, जो इसका लीनियर मोमेंटम है, मान लीजिए इट्स मूविंग अलॉन्ग दिस ट्रैक विद इनिशियल लीनियर मोमेंटम 1 kg, यहां पर लिखेंगे 1 kg meter पर सेकेंड। अब यहां पे इस पोजिशन पे है, अब इस पोजिशन पे पहुंचेंगी जहां पे भी इसका लीनियर मोमेंट है, मान लीजिए 1 kg meter per second। अब इस पोजिशन पे पहुंच रही है, यहां पे भी इसका लीनियर मोमेंट 1 kg meter per second ही होगा। तो कंटिन्यूअसली अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, योर बॉडी इज मूविंग विद सम इनिशियल लीनियर मोमेंटम, इट विल कंटिन्यूअसली मूव विद द सेम इनिशियल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, अनलेस सम इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम नेट एक्सटर्नल फोर्स, जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स इस पे न करे। अब ये इसका लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसका लीनियर मोमेंटम खुद ब खुद चेंज नहीं होगा। अब यहां पे हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे पीछे से, हम अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, सेम डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसी डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक और डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने इसी डायरेक्शन में अप्लाई किया फोर्स, देन व्हाट विल हैपन, जब सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब ये जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम,
फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, यहां से यहां तक, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ठीक है। तो यहां तक मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया, जब यहां पे पहुंचती है इसका लीनियर मोमेंटम होता है 3.3 kg/s। तो यहां से यहां तक इसको जो टाइम लगता है उसको मान लीजिए यहां से मैंने फोर्स रिमूव कर दिया, दैट फोर्स फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, तो दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ इम्पैक्ट, जो टाइम लगता है टाइम ऑफ इम्पैक्ट। तो मान लीजिए टाइम ऑफ इम्पैक्ट बहुत कम है, वेरी स्मॉल, dt इज ए टाइम ऑफ इम्पैक्ट, इज क्लियर। इस कम समय के में इसका फोर्स चेंज होता है, इसका सॉरी लीनियर मोमेंटम चेंज होता है फ्रॉम 1 kg/s टू 3 kg/s बाय चेंज कितना हुआ, 3 - 1 दैट इज 2 kg/s इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये 2 kg/s किसने चेंज किया लीनियर मोमेंटम, फोर्स ने। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो इसका लीनियर मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा, इसका लीनियर मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा, इज दिस क्लियर। तो सेम डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई करेंगे, दिस इज इंपल्स फोर्स। उसके बाद जब यहां से फोर्स रिमूव करेंगे इंपल्स फोर्स, उसके बाद ये कंटिन्यूसली मूव करेगी इन द सेम डायरेक्शन विद द मैक्सिमम कॉन्स्टेंट लीनियर मोमेंटम, ठीक है, 3 kg/s। इसी मैक्सिमम कॉन्स्टेंट लीनियर मोमेंटम से कंटिन्यूसली मूव करेगी अलोंग द सेम स्ट्रेट ट्रैक, इज दिस क्लियर। तो यहां खाली चेंज आ गई जब हमने इंपल्स फोर्स अप्लाई किया, ओके। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, वो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो चेंज यहां पे हुई मान लीजिए 1 सेकंड लगा, तो व्हाट इज चेंज, 2 kg/s, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। मान लीजिए इंपल्स फोर्स 1 सेकंड के लिए एक्ट हुआ, तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, इंपल्स फोर्स, जो हमने इंपल्स फोर्स अप्लाई किया अकॉर्डिंग टू व्हाट, न्यूटन इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो यहां पे रिज्यूम करेंगे, अब हम इफेक्ट मेजर करने के लिए सपोज एफ बी द इम्पल्सिव फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, ठीक है। एफ हम एफ बी द इम्पल्सिव फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी एट एन इंस्टेंट, तो इस तरह से लिखेंगे। अब हमने बॉडी पे इम्पल्सिव फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो यहां पे इस तरह से देखेंगे, सपोज इंपल्स फोर्स हमने अप्लाई किया, मान लीजिए इसको 1 सेकंड लगता है ड्यूरिंग दिस 1 सेकंड, ठीक है। जैसे कि यहां पे मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, इससे इस तरह से पता चलेगा आपको, यहां से इंपल्स फोर्स है, यहां से टाइम ऑफ इंपैक्ट है, जो ग्राफ मैंने अभी दिखाया था वो इस तरह से होता है तकरीबन, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ इम्पैक्ट मान लीजिए एट इंस ऑफ टाइम टी डैश, ठीक है, इस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है सपोज इट इज एफ, यहाँ पे इम्पल्स फोर्स है, इम्पल्स फोर्स का वैल्यू है एफ कहां पे, एट इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। तो सपोज एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी डैश एफ बी द इम्पल्स फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो फोर्स इस बॉडी पर एक्ट कर रहा है, मान लीजिए एफ फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये फोर्स एक्ट करेगा तो इस फोर्स से क्या होगा, इससे मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो हम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम ले लेंगे, ठीक है ना, यहां से यहां तक जो टाइम इंटरवल होगा, सपोज इट इज dt डैश, तो इसमें जो फोर्स चेंज होगा वो होगा बहुत ही कम, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है ना।
सो एफ विद इंपल्स फोर्स एक्टिव ऑन द बॉडी एट द स्टॉप टाइम टी डैश, तो इसकी वजह से लीनियर मोमेंटम हो जाएगा. एंड सपोज डी पी बी द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इन स्मॉल टाइम, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम डी टी. ठीक है, डी टी डैश. अब यहां पे टाइम टी डैश है, वो थोड़ा सा टाइम हो या डी टी डैश, इस टाइम इंटरवल में जो फोर्स है सपोज इट ऑलमोस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो इस वजह से जो फोर्स यानी कि मोमेंटम चेंज हो जाएगा वो हमने एज्यूम किया डी पी इज स्मॉल चेंज इन मोमेंटम इन द बॉडी. ठीक है, डिस्टेंस चेंज इन बट वेरी स्मॉल चेंज इन मोमेंट ऑफ द बॉडी. इज इट क्लियर? ओके, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं? अब जो फोर्स फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस फोर्स, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डी पी बाई डी टी, दिस इज व्हाट, दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. फोर्स इंस्टेंटेनियस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डिफाइंड एज या इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी. ठीक है ना, डी पी बाई डी टी. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एफ डी टी इज इक्वल टू डी पी. याद रखना ये जो एफ है इट इज इंपल्स फोर्स, मगर इस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में ये फोर्स क्या है, इट इज कॉन्स्टेंट. दिस इंपल्स फोर्स इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट इन दिस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डी टी. अगर हम पूरा इंटरवल ले लेंगे यहां से यहां तक जीरो से टी तक, तो पूरे इंटरवल में ये फोर्स कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, इट्स अ वेरिएबल फोर्स, ये वेरिएबल फोर्स, इट वेरीज कंटिन्यूअसली विद टाइम. ठीक है, इन द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में भी ये बहुत जल्दी वेरी होता है, इट्स अ वेरिएबल फोर्स. अब ये कॉन्स्टेंट रहेगा सारी, ये कॉन्स्टेंट रहेगा खाली इस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में तकरीबन. ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके, अब इंटीग्रेशन करेंगे. अब यहां पे जो जैसे पहले मैंने बता दिया, अब जो रिलेशन हमारे पास है अगर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो क्या है, एफ इंटू डी टी इज इक्वल टू डी. व्हाट इज डी पी? डी पी चेंज इन लीनियर मोमेंटम. ठीक है, तो एफ इंटू डी टी यानी फोर्स, इंपल्स फोर्स, ये इंपल्स फोर्स यहां पे कॉन्स्टेंट इन दिस, ये याद रखना, एक्चुअली कॉन्स्टेंट नहीं, अगर टोटल पूरा इंटरवल ले लेंगे तो कॉन्स्टेंट नहीं है. तो यहां पे फोर्स इंटू टाइम अगर करेंगे वो किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम क्या है, इट इज द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द फोर्स, इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द फोर्स इन ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डीटी. ठीक है, तो पहले मैंने डेफिनेशन बताई थी, जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा फोर्स, ठीक है ना, उसको कहते हैं इम्पल्स. सो डीपी इज द इम्पल्स ऑफ द फोर्स इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डीटी. इज दिस क्लियर? तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल. ठीक है, डीटी टाइम, जब फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे उससे भी हमें मिलता है इम्पल्स. इज दिस क्लियर? अब हम टोटल इम्पल्स देखेंगे. टोटल इम्पल्स, टोटल इम्पल्स देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन. इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन नंबर वन, इंटीग्रेटिंग विद प्रॉपर लिमिट्स. विद इन प्रॉपर लिमिट्स का मतलब क्या है, अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे हम. ये फोर्स हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी पर. बॉडी कहां से जा रही थी और स्ट्रेट रहे, ठीक है, यहां पे इसका इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम था सपोज पी वन, यहां पे पहुंची, यहां पे भी पी वन, यहां पे पहुंची, यहां भी पी वन, वो चेंज नहीं होगा, इट इज इनिशियल मोमेंटम. अब यहां पे हमने फोर्स अप्लाई किया, कौन सा फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स. जो इम्पल्सिव फोर्स हम अप्लाई करते हैं फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, मान लीजिए यहां तक, तो यहां तक इसका मोमेंटम चेंज हो जाता है इन दिस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम,
अब इसका मोमेंट चेंज होगा फ्रॉम P1 टू P2, यहां से ये फोर्स आप रिमूव करेंगे, देन इट विल मूव कंटिन्यूअसली विद दिस मैक्सिमम मोमेंटम इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि इम्पल्स फोर्स यहां से यहां तक हमने अप्लाई कर दिया। व्हाट इज इनिशियल, व्हाट इज कंडीशन फॉर विद द लिमिट, हमने कहा ना लिमिट क्या है मोमेंटम का, इनिशियल मोमेंटम इज P1, फाइनल मोमेंटम इज विद दिस इनिशियल लीनियर मोमेंटम, दिस इज फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, इज इट क्लियर? ओके, ये इनिशियल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम है, ये टाइम, ये यानी कि लिमिट है फॉरवर्ड मोमेंटम। अब यहां पे जब जो ही हमने फोर्स अप्लाई किया उस वक्त टाइम क्या था, टाइम इफेक्ट उस वक्त जीरो था। अब जब तक ये फोर्स एक्ट करेगा तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टी इज अ टाइम, तो यहां से यहां तक टाइम जो लगा है दैट इज टी, टी इज अ टाइम ऑफ इम्पैक्ट, टाइम ऑफ इम्पैक्ट। जो ही ये टू ऑब्जेक्ट्स कॉन्टेक्ट में आते हैं सो टाइम, वहां से टाइम लेते हैं जीरो, जब तक ये कॉन्टेक्ट में रहते हैं तब तक हम टाइम काउंट करते हैं। सपोज टी इज टोटल टाइम ड्यूरिंग फॉर विच द टू बॉडीज रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, ठीक है, उस वक्त तक ये एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिसके लिए टी इज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, इनिशियल टाइम इज जीरो, तो जब तक ये फोर्स एक्ट करेगा तो टोटल टाइम फाइनल टाइम इज टी, इसको टी टाइम लगता है, दिस इज टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, ये कंडीशन। अब इंटीग्रेशन करेंगे विद द प्रॉपर लिमिट्स, एफ डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी टी, यानी इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू लीनियर मोमेंटम। यहां पे विद रेस्पेक्ट टाइम है, टाइम के लिए लिमिट्स यूज करनी पड़ेगी, इनिशियल टाइम इज जीरो, फाइनल टाइम इज टी, और ये टी डैश है, यहां पे याद रखना टी डैश दिया था मैंने, तो टी डैश है यहां पे डी टी डैश, तो जीरो टी चेंज हो रहा है। वट इज डी पी, डी पी इज द लीनियर मोमेंटम, वट इज इनिशियल वैल्यू ऑफ द लीनियर मोमेंटम, इट इज P1 एंड फाइनल इज P2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते इस इंटरव्यू में, क्यों, ये जो फोर्स यहां पे इट इज वेरिएबल फोर्स, और उसकी हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ टाइम, जो पहले मैंने बता दिया, तो इसको इसी तरह से रखेंगे डी टी डैश ओवर द टाइम ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, इज इक्वल, व्हाट इज दिस लीनियर मोमेंटम है, इंटीग्रेशन कीजिए इसकी, देखिए जब लिमिट देंगे तो हमें मिलेगा P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, इज क्लियर, दिस इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, एंड द चेंज इन लीनियर मोमेंटम, टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस्ड बाय द इम्पल्स फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स। सो इसको हम I से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके, रिप्रेजेंट इट बाय I, सो व्हाट इज I, I इज द इम्पल्स, इम्पल्स को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इम्पल्स भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम, जिस डायरेक्शन मोमेंटम लीनियर मोमेंटम चेंज होती है वही डायरेक्शन होती है इम्पल्स की। यहां पे जो डायरेक्शन फोर्स इनटू टाइम इज अगेन इन वेक्टर इनटू स्केल इज अगेन व्हाट वेक्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इम्पल्स वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज दैट फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स, इसको हम इसी तरह से रखेंगे। तो एक इम्पल्स की डेफिनेशन हमने बता दी, द इम्पल्स ऑफ एन इम्पल्स फोर्स इज द मेजर ऑफ टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस्ड बाय द इम्पल्स फोर्स, इज दिस क्लियर, एक डेफिनेशन है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इम्पैक्ट। दूसरी डेफिनेशन इसके हिसाब से, द इम्पल्स ऑफ एन इम्पल्स फोर्स इज डिफाइंड एज द इंटीग्रेशन ऑफ द इम्पल्स फोर्स ओवर द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, इंटीग्रल ऑफ द इम्पल्स फोर्स ओवर द टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज कॉल्ड इम्पल्स, ठीक है ना, इंटीग्रल ऑफ फोर्स ओवर द टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज कॉल्ड इम्पल्स, इस तरह भी हम इम्पल्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये सॉल्व नहीं कर सकते, मैंने पहले ही बता दिया, इज दिस क्लियर यू, ओके, ये हमारे पास अब एक्सप्रेशन है। अब हम एज्यूम करेंगे यहां पे, जैसे पहले मैंने बता दिया था जो इम्पल्स फोर्स है अभी इतना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, अब हम एक कॉन्स्टेंट फोर्स ले लेंगे, एक कॉन्स्टेंट फोर्स ऐसा ले लेंगे, ठीक है ना, उस वैल्यू का ले लेंगे, और जब वो फोर्स हम इसी टाइम ऑफ इम्पैक्ट तक अप्लाई करेंगे उसी बॉडी पर, तो वो भी अगर इतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इतना ही चेंज करेगा लीनियर मोमेंटम को, देन उस फोर्स को हम कहते हैं एवरेज फोर्स। तो यहां पे रिज्यूम करेंगे, सपोज एफ ए वी बी द
एवरेज फोर्स, ठीक है, तो एवरेज फोर्स उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा इन द ड्यू टू टाइम ऑफ इम्पैक्ट जितना ही इंपल्सिव फोर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, तब एफ के बल हम ये पुट कर सकते हैं. देयरफॉर वी कैन राइट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ के बल एफ एवरेज ए डी, ठीक है, डी टी डैश फ्रॉम जीरो टू टी इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम पी टू माइनस पी वन. अब हम इस इंटरवल को सॉल्व कर सकते हैं. अब इसको सॉल्व करेंगे, अब जो एफ एवरेज है इट्स अ कॉन्स्टेंट फोर्स, इसको बाहर निकाल सकते हैं. अब इसको बाहर निकालिए तो वो क्या रहता है, आई इज इक्वल एफ एवरेज बाहर आएगा एवरेज, फिर रहेगा इंटीग्रल ऑफ डी टी, इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल डी टी डैश फ्रॉम जीरो टू टी इज इक्वल पी टू माइनस पी वन, ठीक है. जो इंटीग्रल यहां पे है डी टी, डी टी मीनस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे इसका मतलब है टोटल टाइम ऑफ दैट, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना है एफ एवरेज, टोटल टाइम ऑफ इम्पैक्ट है जो हमने पहले जो किया टी इज टोटल टाइम ऑफ इम्पैक्ट जीरो टी इंटीग्रेशन करनी है तो टी निकलेगा, टी इज टाइम ऑफ इम्पैक्ट, टोटल टाइम ऑफ इम्पैक्ट ये उतना टाइम है जिस टाइम तक ये फोर्स उस बॉडी पर एक्ट करे, ठीक है. टाइम टाइप सेड वहां पे इम्पल्सिव फोर्स वेरिएबल था, यहाँ पे कॉन्स्टेंट फोर्स है पी टू माइनस पी वन, ठीक है. सो दिस इज द एक्सप्रेशन. This is clear to you. From this expression, we can also calculate the average force. इसमें इससे हम इसके मदद से हम average force भी measure कर सकते हैं. We can, ठीक है ना? कैसे? अब यहाँ पे मैं दिखा दूँगा कैसे. So average force of the impulsive force is equal to I divided by t, impulse divided by time of impact करेंगे वहां से average force निकलेगा. तो impulse किसके बराबर होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम. तो इस टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम को हम जब टाइम ऑफ इम्पैक्ट से डिवाइड करेंगे वहां से निकलेगा हमें एवरेज फोर्स ऑफ द इम्पल्सिव फोर्स, एवरेज फोर्स ऑफ द एवरेज फोर्स, यानी कि ये अब उस किसका एवरेज है, इम्पल्सिव फोर्स का एवरेज. ये अब उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा इन अ गिवन टाइम द टाइम ड्यूरिंग टाइम ऑफ इम्पैक्ट जितना वो इम्पल्सिव फोर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है. तो दिस इज द एवरेज. तो इससे हमें एवरेज हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. इट इज क्लियर फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन दैट एफ एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी, टी इज टाइम ऑफ इम्पैक्ट. सो दिस शोज दैट द चेंज इन मोमेंटम की द चेंज इन मोमेंटम कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा फॉर टी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. इस चेंज इन मोमेंटम को कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है. जितना बॉडी में मोमेंटम चेंज होगा उतना ही करना है बस. तो वो हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं. वी कैन प्रोड्यूस गिवन चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इन डिफरेंट वेज. कैसे? तो दो एक्सट्रीम वे, दो वेज में बता दूंगा यहां पे. बाय अगर हम टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज करेंगे, ज्यादा देर तक फोर्स अप्लाई करना करेंगे, और ज्यादा देर तक फोर्स अप्लाई करेंगे एज द एवरेज फोर्स इन दोस प्रोपोर्शन व्हाट टी इफ वी कंसीडर दिस कॉन्स्टेंट, देन एवरेज फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है. तो एवरेज फोर्स हमें डिक्रीज करना पड़ेगा. अगर टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज करेंगे तो एवरेज फोर्स डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि दोनों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट हो, इफ दिस इज कॉन्स्टेंट, ठीक है. अब अगर हम टाइम ऑफ इम्पैक्ट कम करेंगे तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट हो. इज दिस क्लियर? तो इस तरह से, ठीक है ना. तो इसका मतलब ये है अगर हम स्ट्रांग फोर्स अप्लाई करेंगे तो कम टाइम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा ताकि सेम अमाउंट ऑफ यानी कि जो लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाए बॉडी में इट शुड चेंज बाय द सेम अमाउंट, ठीक है. या इस तरह भी कर सकते हैं अगर वीक फोर्स अप्लाई करेंगे, स्मॉल फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो ये ज्यादा टाइम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है. तो ताकि जो लीनियर मोमेंटम बॉडी का चेंज हो जाए वो हो जाए बाय द सेम अमाउंट, ठीक है. सो इससे हमें पता चलता है, यहां पर लिखेंगे, दिस इज व्हाट वी कॉल इंपल्स मोमेंटम थ्योरम. इसको इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं. इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है? आप जो अब हमारे पास एक्सप्रेशन है
एवरेज इनटू टी इज इक्वल टू पी टू माइनस पी वन, अगर ये कांस्टेंट ले लेंगे हम, ठीक है, सपोज चेंज इन मोमेंटम इज कांस्टेंट, अब उसके लिए अगर हम टाइम ऑफ इंपैक्ट ज्यादा देर तक फोर्स अप्लाई करेंगे, उसके लिए हमें जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो कम करना पड़ेगा ताकि उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे, एफ इनटू टी कांस्टेंट रहना चाहिए। दूसरा तरीका, अगर हम टाइम ऑफ इंपैक्ट कम करेंगे, अगर हम फोर्स बढ़ा देंगे तो टाइम ऑफ इंपैक्ट कम करना पड़ेगा, जब हम दोनों उतना काम करना पड़ेगा जब उनको प्रोडक्ट करेंगे तो ये फिर से कांस्टेंट आना चाहिए। दिस इज क्लियर टू यू? दिस इज व्हाट वी कॉल इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। सो व्हाट इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। अकॉर्डिंग टू इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है? गिवन चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाई अ स्ट्रॉन्गर फोर्स फॉर अ शॉर्ट टाइम और बाय अप्लाई यहां पे स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई किया, अब वी स्मॉल फोर्स अप्लाई कर सकते भाई, अपना वीक फोर्स और स्मॉलर फोर्स फॉर ए लार्जर टाइम और ए शॉर्टर टाइम फॉर ए लार्जर टाइम। दिस इज क्लियर टू यू? लार्जर टाइम के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं स्मॉलर फोर्स, या स्ट्रॉन्गर फोर्स हम शॉर्टर टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हैं टू प्रोड्यूस द सेम चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। दिस इज क्लियर टू यू? तो दिस इज व्हाट वी कॉल इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। तो यही वजह है जब एक क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलने वाला होता है, जब वो बॉल को कैच करता है, यू ही वो कैच करता है, वो अपने हाथ को पीछे ले जाता है ऐसे, ठीक है, अगर इस डायरेक्शन बॉल आएगी तो वो पीछे खींचता है अपने हाथ को ड्यूरिंग कैचिंग द बॉल, ठीक है, अगर ऊपर से बॉल आ रही है तो वो नीचे कर रहा है, ही लवर्स हिज हैंड्स इस तरह से, ठीक है, ऊपर से बॉल आ रही है इस तरह से दिखा दूंगा, ऊपर से आ रही है तो इस तरह से नीचे करता है, ठीक है, अगर इस तरह से आ रही है इस तरह से पीछे करता है, ठीक है, इस तरह से कैच करता है। ऐसा वो क्यों करता है? जब वो यहां से अपने हाथ पीछे ले जाता है इस तरह से ड्यूरिंग कैचिंग द बॉल, ठीक है, एक्चुअली वो टाइम ऑफ इंपैक्ट इंक्रीज कर रहा है, तो टाइम ऑफ इंपैक्ट इंक्रीज करने से क्या होगा, उस पर कम ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब वहां से बॉल आ रही है बहुत तेजी के साथ आ रही है, अगर मैं अपने हाथ पीछे नहीं करूंगा यहां से ही उसको रोकूंगा, ठीक है, तो टाइम ऑफ इंपैक्ट कम होगा तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उस वक्त बॉल पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जब हम बॉल पर यहां से ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉल इन टर्न विल एक्सर्ट इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन अवर हैंड्स, ठीक है, अराउंड न्यूटन पर लॉ मोशन, तो बॉल भी उतना ही फोर्स हमारे हाथों पर एक्सर्ट करेगी, ठीक है ना, तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा तो उसकी वजह से हमारे हाथों में यानी कि इंजरी हो जाएगी, यानी कि जख्मी हो सकते हैं हमारे हाथ में दर्द होगा, हमारे हाथ जख्मी हो जाएंगे। इस एस्केलेट यू, तो अब हम क्या करते हैं अपने हाथ को जख्मी होने से बचाने के लिए, हम टाइम ऑफ इंपैक्ट, जो क्रिकेटर होता है वो टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ाता है, उससे उसको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। इस एस्केलेट यू टू ब्रिंग द बॉल टू रेस्ट, ठीक है ना, टू ब्रिंग द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी टू जीरो। इस एस्केलेट यू ओके, इसीलिए वो अपने हाथ पीछे खींचता है। इसी तरह से जो हमारे पास गिलास बियर्स होते हैं, चाइना बियर्स होते हैं, तो उनकी पैकिंग होती है, पेपर पैकिंग की जाती है उनके दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो वो पेपर रखा जाता है, पेपर से वो पैक किया जाता है, या आजकल वो थर्मोकोल की पैकिंग भी होती है,
ऐसा क्यों, ऐसे या घास फूस भी रखते हैं तो ऐसा क्यों, इसलिए ताकि अगर हाथ से एक्सीडेंटली कहीं पे गिर जाए तो टूटने का खतरा कम हो जाता है। एस्केलेटिव उसकी वजह से, उस पैकिंग की वजह से जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट होता है वो बढ़ जाता है। इसी तरह से अगर कोई बंदा किसी कंक्रीट रोड पे गिर जाए तो उसके हाथ पांव टूट सकते हैं, यानी कि उसको चोट लग सकती है, जख्मी हो सकता है वो। पर अगर ये बंदा रेत पे गिर जाए तो रेत पे अगर वो गिरेगा उसको यानी कि हाथ पांव जख्मी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि रेत जो होती है वो ढीली होती है, वो जब भी कोई ऑब्जेक्ट उस पर पड़ता है वो यील्ड हो जाती है, ठीक है ना। तो उस यील्डिंग की वजह से जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट होता है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए जो सैंड होती है उस आदमी को या उस ऑब्जेक्ट जो उस पर गिरता है उसको रोकने के लिए वो कम ही फोर्स एक्ट करता है, इसलिए आदमी जख्मी ज्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। एज इज क्लियर यू? तो इसी तरह से जो मोटर व्हीकल्स हमारे पास है, यानी मोटर बाइक है, स्कूटी है, कार है, ट्रक है, बसेस है, उनमें शॉकर्स लगाए जाते हैं, उनमें शॉकर्स होते हैं। वो शॉकर्स क्यों होते हैं? टू इंक्रीज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट। अगर ये गाड़ी किसी अनइवन रोड पे जाएगी तो अनइवन रोड जब होगा, अनइवन रोड पे जब गाड़ी जाएगी, ये जो रोड है उस वक्त ये इस पर जर्क्स एग्जर्ट करते हैं, ठीक है ना। जो अनइवन रोड होता है वो क्या करता है, बॉडी पर जर्क्स एग्जर्ट करता है। तो वो जर्क क्या है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंपल्सिव फोर्स। अब उस जर्क से अगर बंदा अंदर बैठा होगा तो वो जख्मी हो सकता है, उसको कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है, शॉकर्स लगाए जाते हैं। वो शॉकर्स क्या करता है, वो इस इम्पल्स फोर्स का इफेक्ट, यानी कि इफेक्ट तो सेम है पर टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ाता है। उसकी वजह से जो उसका फोर्स होगा, फोर्स की वजह से जो जख्मी होने का खतरा होता है, ठीक है ना, वो कम हो जाता है। इज दिस क्लियर टू यू? तो ये शॉकर्स लगाते हैं।